अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पे यहाँ पे देख सकते हो, जंगली जंगल है और बीच में से ये रास्ता छोटा सा प्ले, और बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप बारिश देख रहे हो पड़ रही है। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम रोड पे, ये देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे। तो बाकी यार सिम वगैरह तो हो गई है बंद, तो ब्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा, देखते हैं उधर जाके कोई जुगाड़ मिलता है पोस्टपेड सिम का। तो बाकी यार इधर आपको रेलवे स्टेशन दिखाते हैं यहाँ पे। गाइस बाहर का मौसम देख रहे हो, मतलब कितनी ज़्यादा बारिश पड़ गया देख रहे हो बाहर आप। ये देखो यार तब का सोया था मैं, अभी जाके उठा हूँ तो जब सोया था तब भी बारिश पड़ रही थी और अभी भी बारिश पड़ रही है। तो यार कोई पता नहीं है कहाँ पे पहुँचे आप। अभी हम दुकान के अंदर आ गए हैं, तो अभी यार भूख लगी थी कुछ खा लेते हैं। और भाई क्या खाना है? अभी बर्गर खाते हैं, देखते हैं। देखना खाना है ना, देखना क्या है? देखते हैं। देखना नहीं खाना है, देखना है या खाना है? देखना है पहले, फिर खाना है। गाइज़ वेलकम बैक टू माई नदर वीडियो। तो गाइज़ कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं बढ़िया हूँ और मैं आ चुका हूँ एक बढ़िया सा ब्लॉग लेकर। तो चलिए आज वाले ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम 6 बज रहे हैं यार। अभी का सीन मुझे ऐसा है कि कल मैंने आपको बताया कि रेलवे पे हम आ गए थे कल। तो यार कल मैंने शायद गलती से 10:30 बोल दिया था ट्रेन का टाइम, यार ट्रेन आने वाली है 7:30 बजे। तो बाकी यार अभी रेलवे पे सोए हैं, यहाँ पे देख सकते हो नीचे ही सोए हैं आज। बाकी यार थोड़ी देर में ट्रेन वगैरह आने वाली है, तो आज आपको हम लेके चलेंगे शिमला में। यार ट्रेन है ना जो चंडीगढ़ की आने वाली है, आगे उधर से जाएंगे हम बस में, जैसे भी जाना होगा वहाँ से चलेंगे। तो बाकी यार आप ब्लॉग में बने रहो, बस यार थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से, तो फिर मिलते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों अभी आ गए हम ट्रेन में, देख सकते हो अभी। तो गाइस अभी 10 या 12 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ेगी यहाँ से। तो यार बाकी यार आज का वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपको शिमला में लेके जाएंगे और शिमला का व्यू दिखाएंगे आज आपको। मेरे हिसाब से शाम को ही पहुँचेंगे यार, मतलब ये है मेरे को पता नहीं है टाइम का। तो बाकी ये ट्रेन शायद चंडीगढ़ में उतरना है, फिर बस से जाना है आगे भाई। तो हमने जाना है शिमला में, कुछ यहाँ से गाँव में रोकना पड़ता है उधर कहीं जाना है। तो बाकी यार दो लड़के चले गए कल के, वो बाइक लेके गए ना, तो आगे देखेंगे फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो बाकी यार यहाँ का आपको व्यू वगैरह दिखा देते हैं सुबह का। तो गाइस हमारे भाई दोनों देख सकते हो इधर फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो गाइस, वार्म अप हो रहा है, पूरा है वार्म अप हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हेलो गाइस, गौरव यार खिलाया नहीं तूने, कुछ खिलाया भी नहीं यार। खिलाते हैं भाई, चाय पिलाते हैं यार, अभी आपको चाय पिलाते हैं ब्रो। गाइस कैसे हो सब? तो हम ट्रेन में बैठ ही गए आगे, बस कुछ ही देरी है हमें पहुंचने में, अभी शिमला में कुछ बंदे पहुंच गए। नहीं भैया कितना टाइम लगेगा यहाँ से शिमला? लगेगा कोई 4.5 घंटे लगेगा। 4.5 घंटे तकरीबन इतने लगे। हमने अभी चंडीगढ़ में उतरना है, अभी हम उतरेंगे पठानकोट, पठानकोट से जाएंगे। पठानकोट जाना है? हाँ, उधर से बंदे पिकअप करने हैं, उसके आगे जाएंगे। अच्छा मतलब फुल एंजॉय करने वाले हैं शिमला में। तो दोस्तों बने रहो यार व्लॉग में, आज वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बाकी यार सपोर्ट करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, और बाकी यार भाई को यार सपोर्ट करो, मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और बहुत जल्द गाइस फ़ोन भी लेने वाला हूँ न्यू गाइस। तो बाकी यार आप सबकी सपोर्ट की वजह से ही बन के होंगे, तो यार सपोर्ट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस बाहर का मौसम देख रहे हो, मतलब कितनी ज़्यादा बारिश पड़ गई है देख रहे हो बाहर आप। ये देखो यार तब का सोया था मैं, अभी जाके उठा हूँ तो जब सोया था तब भी बारिश पड़ रही थी और अभी भी बारिश पड़ रही है। तो यार कोई पता नहीं है कहाँ पे पहुँचे आप, आपको देख लो और गैस कर लो कहाँ पे है, मेरे को तो पता नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। बाकी यार भाई लोग अभी सभी सारे सोए हैं यार। तो यार यहाँ का व्यू कितना इतना वाला व्यू बना है, और एक धुंध पड़ी है अभी सामने, ये देख रहे हो आप। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम पठानकोट पे, ये देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे। तो बाकी यार सिम वगैरह तो हो गई है बंद, तो ब्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा, देखते हैं उधर जाके कोई जुगाड़ मिलता है पोस्टपेड सिम का। तो बाकी यार इधर आपको रेलवे स्टेशन दिखाते हैं यहाँ पे। तो यार बहुत ज़्यादा लग गया, खाया कुछ नहीं है। तो यार देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है, और बाकी यार आगे का पता नहीं क्या करना है अब। अभी आगे क्या कुछ मिले कुछ पता नहीं है, बस यही खुद गाड़ी का अरेंजमेंट वगैरह मेरे को कुछ नहीं पता है, खुद करेंगे।
बाकी भूख लगी है यार, सबसे पहले खाते हैं कुछ यार, आप बने रहो ब्लॉग में। तो गाइज अभी हम आए हैं ऑटो से, यहाँ पे पहुँच गए हैं बस स्टैंड पे, और यहाँ से हम जाएंगे कांगड़ा बस पे। तो बस पे जाएंगे शायद, फिर शायद अगला कोई लोकल रेलवे स्टेशन पे चले, वहाँ से या ट्रेन पे चले, अब मुझे कुछ पता नहीं है। अभी आप ब्लॉग में बने रहो तो आपको पूरा ब्लॉग में पता चल जाएगा, जो भी सीन होने वाला है आपको ब्लॉग में मिल जाएगा। तो बाकी यार अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन सी बस लेनी है, कौन सी कहाँ कहाँ जाना है, कोई पता नहीं है। अभी गाड़ी आगे जा रहा है, वही लेके चलेगा। तो बाकी यार चलते हैं। गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, तो हम चल पड़े हैं अभी ट्रेन के पास। तो हमारी ट्रेन पास लगी है उधर, तो इधर से चलते हैं। तो बाकी आपको यार गौरव से मिलाते हैं। गौरव इधर आ, गौरव कहाँ पे लगी है ट्रेन, कहाँ पे लगी है वो? सामने लगी है, दो नंबर पे लगी है। तो गाइस चलते हैं ट्रेन पे और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो यार यहाँ से ऊपर जाना है नगरोटा, इधर भी कोई नगरोटा यार वहाँ पे जाना है। तो यार मतलब यहाँ तक पहुँचते कोई 5-6 गाड़ियाँ हमने चेंज कर ली हैं। तो यार अभी भी कोई गाड़ी जाएगी ऊपर पर, इधर यार कम जाती हैं गाड़ियाँ ऊपर नगरोटा वाली साइड। तो यहाँ से आगे जाना है, गौरव के साथ मिलाते हैं यार आपको। यार कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हमने चेंज, मतलब 4-5 गाड़ियाँ चेंज कर दी यार। इससे पूछते हैं गौरव भाई, जब से हम वहाँ से आए हैं कितनी गाड़ियाँ चेंज कर दी हैं? कोई 2-3 गाड़ियाँ चेंज कर दी, 3 एरिया काटो 4 गाड़ियाँ चेंज कर दी हैं गाइस अभी तक। तो अभी ऊपर एक और गाड़ी मतलब 5-6 गाड़ियाँ लेके उधर पहुँचना है, फिर आगे बाइक से लेके लेने आएगा, फिर वो बाइक से लेने आएगा लड़का। तो यार बाकी यार भूख बहुत ज़्यादा लगी है, खाया नहीं है कुछ अभी तक। तो देखते हैं यार, खिला भी नहीं रहा है कुछ। तो आप बने रहो ब्लॉग में, के अंदर आ गए हैं। तो अभी यार भूख लगी थी, कुछ खा लेते हैं। गौरव भाई क्या खाना है अभी? बर्गर खाते हैं, देखते हैं। तो बाकी यार हमारे साथ एक बंदा और आया है, उससे हम बाद में मिलाएंगे आपको। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, और अभी हमने पैदल का सफर शुरू कर दिया। बाकी यहाँ का यार व्यू दिखाते हैं हम आपको। तो बाकी यार करो यार, आज ही जो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ उसको एंजॉय करो यार। तो गाइज ये है शिमला का व्यू, यहाँ का देख सकते हो आप, देख रहे हो। तो बाकी ये हमारे भाई इधर ब्लॉग बना रहे हो बाकी यार अच्छा। तो भाई यार आज का व्यू कैसा लग रहा है आपको? यार अच्छा था, मगर सफर बड़ा लंबा था यार। तो अभी यार 7:30 बजे निकले थे, और अभी टाइम कितना हो रहा है टाइम देखो यार। अभी आपको दिखाते हैं यार टाइम, और कितनी गाड़ियाँ हमने चेंज की हैं। 3:30 हो रहे हैं गाइज, मिल रहा है? हाँ 3:30 हो रहे हैं। तो बाकी यार बारिश देख रहे हो, तब की पड़ रही है, अभी तक गीले हो गए कपड़े भी। तो बाकी यार यहाँ रहते हैं भाई हमारे ऊपर, तो अभी इधर हम कल ले चलेंगे आपको कहीं चक्कर लगाने, अगर बारिश पड़ी तो नहीं ले पाएंगे, बाकी जो लेके चलेंगे बारिश पड़ी तो फिर ले पाएंगे। तो बाकी यार चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं। यार अभी हम अकेले रह गए इधर, वो ले गया भाई उनको भाई बाइक पे ले गया। हमारे साथ दो बंदे आए थे, एक को मैंने आपको ब्लॉग में नहीं दिखाया, उसको हम लास्ट दिन ही दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सीन है, ब्लॉग में नहीं आ सकता भाई हमारा। तो बाकी यार अभी हम गांव में आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो जंगली जंगल है। तो यार ऊपर है कहीं कमरा दूर जाके, तो यार मतलब कितनी गाड़ियाँ चेंज कर दी हैं यार, मतलब इतनी गाड़ी चाहिए ना, 6-7 गाड़ियाँ चेंज कर दी हैं। बट यार इधर का आपको मौसम के बारे में क्या कहना चाहोगे गौरव भाई? अच्छा मौसम है गाइस, ठंडा मौसम है और बारिश भी पड़ रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है बाहर। और ऊपर से पेड़ देख सकते हो आप, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे, खराब भरा मौसम है। तो बाकी यार कल आपको जरूर लेके चलेंगे, अगर बारिश पड़ी तो शायद नहीं लेके जा पाए आपको, अगर बारिश नहीं हुई तो शायद हम लेके चले आपको कल। तो बाकी यार अभी हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, यहाँ तो जंगली आगे जाके दिखाते हैं, थोड़ी पहाड़ के ऊपर चलते ना, फिर वहाँ से दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपको आगे। अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे देख सकते हो जंगली जंगल है, और बीच में से ये रास्ता छोटा सा प्ले, और बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप बारिश देख रहे हो पड़ रही है, फ़ोन भी गीला हो रहा है। तो अभी मैं फ़ोन को डालता हूँ पैकेट के बीच में, और फिर निकलते हैं यहाँ से। और बाकी यार इधर की लैंग्वेज बोल के दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी, चल बोल कुछ, मैं बोलता फिर जाना। इधर ही रोना में गाइस ऐसे बोलते हैं यहाँ के लोग, मतलब मुझे हंसी आ रही थी पहले, लेकिन अब नहीं, जब मैं मेरे को वो दिखते ना तो मैं भी उनके सामने वैसे ही बातें करता हूँ, तो थोड़ी मेरे से गलत हो जाती है ना, तो यार फिर वो सोचते होंगे ये क्या पता हमारी नकल कर रहा हूँ, तो मैं इससे अच्छा हिंदी में बात कर लेता हूँ उनके साथ। तो गाइस अभी मैं रूम में पहुँच चुका हूँ, तो यार अभी कपड़े वगैरह खोले यार, इतने गीले हो गए थे। बाकी यार शिमला का घर देखो आप, लकड़ी का घर है, मतलब देख रहे हो कच्चा घर है बिल्कुल लकड़ी का, और डबल छत्ती है, मतलब लकड़ी का घर भी। तो
गाइस अभी पहुंच चुके हैं, थोड़ी रेस्ट वगैरह करेंगे। तो बाकी यार आज वाले ब्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।